कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था गुडविल वैल्यूएशन वाला, वो समझ में आया था पूरा? कोई डाउट? देखो कल जो हमने डिस्कस किया था उसको मैं एक बार रिकैप करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? इन द यस्टरडेज क्लास वी स्टार्टेड विद द टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम लोग गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहली बात है गुडविल को कब कब वैल्यू करना पड़ेगा। तो जब भी फर्म का क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तब तक गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब तक फर्म को गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। अब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है, तो पहला केस मैंने बताया था जब भी फर्म का क्या होता है, रेशियो चेंज होता है। जब भी कोई नया पार्टनर क्या होता है, जब भी किसी पार्टनर का क्या होता है, या फिर जब भी किसी पार्टनर की क्या हो जाती है, ये सब केस है किसके, फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था गुडविल कितने तरह की होती है, तो गुडविल दो तरह की होती है, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेस्ड। ऐसी गुडविल जो खुद ने मेहनत के थ्रू जनरेट की वो होती है सेल्फ जनरेटेड, और जो गुडविल कहीं से खरीदी वो होती है परचेस्ड। इस गुडविल को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती। तो आपको जो गुडविल बुक्स में दिखती है प्योरली कौन सी गुडविल होती है, हमेशा परचेस गुडविल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके बाद कुछ लिखवाया था मैंने, मेथड लिखवाए थे वैल्यूएशन के, तो लिखो अगला हेडिंग लगाओ, मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन लगाओ। देखो मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, हेडिंग लगाओ मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। तो देखो मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन में देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट देखो, सुपर प्रॉफिट और एक लिखो कैपिटलाइजेशन मेथड। मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन में लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इधर एवरेज में लिखोगे सिंपल एवरेज, और एक लिखो वेटेड एवरेज। इधर लिखो ऑफ सुपर प्रॉफिट, लिखो ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लिखो एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नोट करो फटाफट। नोटिंग कर लिया? नोटिंग कर लिया? हटा रहा हूं इसको, है ना? अब लिखो फर्स्ट सिंपल एवरेज मेथड। लिखो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल्स टू,
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. तो वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ये नोट कर लिया, बुक देना. चलो बुक पे आ जाओ एक बार. कम टू पेज नंबर 2.31. कम टू पेज नंबर 2.31. पेज नंबर 2.31 टीएस पे आ जाओ फटाफट एक बार. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. कम टू पेज नंबर 2.31, क्वेश्चन नंबर 1 देखो. गुडविल इज टू वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट. 4 साल का तो एवरेज लेना है, और कितने ईयर परचेज लेना है? 3 साल का परचेज लेना है. नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इस तरह गिवन है 12, 18, 16, 14. कैलकुलेट द गुडविल. तो सबसे पहले को एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 12,000 प्लस 18,000 प्लस 4 कितना आता है? 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14 अपॉन 4 कितना आ रहा है? 15,000 रुपए, 15,000. तो गुडविल कितना हो जाएगा? कितने ईयर ऑफ परचेज है? तो गुडविल आ जाएगा 45,000. 3 ईयर परचेज है तो गुडविल आ जाएगा 45,000. एवरेज प्रॉफिट इक्वल 12 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14, तो गुडविल आ जाएगा 15,000 इंटू 3, 45,000. तो समझ में आया? कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे ध्यान दें. प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31st मार्च आर एज फॉलोज. अब पिछले 5 साल का प्रॉफिट इस तरह से गुडविल निकालना है, 4 ईयर परचेज, 5 ईयर का एवरेज लेना है. तो लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू पांच साल का एवरेज लेना है. ये आता है 21,93,000. डिवाइड करो 5,
4380600। गुडविल क्या हो जाएगा बताओ? कितने ईयर परचेज है? तो इनटू कर दो 4, तो आ रहा 17,54,400। तो गुडविल का जो वैल्यू है वो 17,54,400। करें कॉपी करें फटाफट। इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? एनी कंफ्यूजन? कॉपी कर लिया? हटा दो उसको। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, व्हेन प्रॉफिट आर टू बी एडजस्टेड, मतलब गुडविल का कैलकुलेशन जब प्रॉफिट को एडजस्टमेंट करना हो हमको। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हेन प्रॉफिट आर टू बी एडजस्टेड, मतलब गुडविल का कैलकुलेशन जब क्या एडजस्ट करना हो हमको। अब बताओ यहां पर एक चीज सब लोग ध्यान से समझना। देखो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो प्रॉफिट अपन लेते हैं ना वो प्रॉफिट हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट होने चाहिए। मेरी बात फिर सुनना। आज जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और मेरे को ये पता लगाना है मेरे पढ़ाने वाली गुडविल कौन सी है। अब मैंने कहा मान लो पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा 2021, 2022, 2023 और 2020। अब ये पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूं और मान लो पिछले साल 4 साल के जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है, मान लो पहले साल मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट था 5 लाख का। ट्रेडिंग मतलब मेरा प्योर कोचिंग बिजनेस का प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब मेरा प्योर कोचिंग बिजनेस का जो प्रॉफिट था वो पहले साल 5 लाख का था, फिर मान लो अगले साल 3 लाख का था, फिर या 20 लाख का हो गया और ये वापस 2 लाख का था। अब आपने पूछा सर यहां पर ये 20 लाख का प्रॉफिट हुआ कैसे, मतलब ऐसा क्या किया कि इस साल 20 लाख का प्रॉफिट हो गया? तो मैंने कहा इस साल क्या हुआ था, मैंने मेरी कोई जमीन बेची थी पुरानी, इस साल मैंने कोई पुरानी जमीन बेची थी और पुरानी जमीन बेचने पर मेरे को 15 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था। पुरानी जमीन बेचने पर कितने का प्रॉफिट हुआ था? 15 लाख का प्रॉफिट हुआ था। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था उस साल, बट इस साल मैंने मेरी कोई पुरानी लैंड बेची थी और लैंड बेचने पर 15 लाख का प्रॉफिट हुआ था। जनरली होता नहीं था प्रॉफिट, बट लैंड बेचने पर प्रॉफिट हुआ था। तो आप मेरे को एक बात बताओ, जमीन बेचने से क्या मेरे बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी क्या? मैंने कोई जमीन बेची तो बताओ क्या मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की गुडविल बढ़ेगी? भले मैं जमीन बेचने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, बट उससे कोचिंग इंस्टीट्यूट की गुडविल थोड़ी ना बढ़ी मेरी। या मान लो मैंने ऐसा बोला इस साल मेरे को 2 लाख का लॉस हो गया था, और आपने कहा सर आपको 2 लाख का लॉस कैसे हो गया? मैंने कहा इस साल मैंने यहाँ पे आग लग गई थी और आग लगने से मेरे को 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। अब बताओ ये आग लगने से क्या मेरी गुडविल कम हो जाएगी क्या? मेरी बात समझो, मैंने यहाँ पे मान लो फायर बुक आउट हो गई और आग लगने से मान लो 4 लाख रुपए का मेरे को नुकसान हुआ, तो बताओ तुमने कहा सर के आप पढ़ने नहीं जाएंगे? मैं क्यों? बोले सर के वहां आग लग गई थी इसलिए। तो आग लगने से बताओ पढ़ाने की गुडविल में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो जो प्रॉफिट होते हैं ना वो प्रॉफिट हमेशा वो वाले लेते हैं जो प्योर ट्रेडिंग प्रॉफिट होते हैं। मतलब मान लो अगर प्रॉफिट इस नेचर का है जिसमें कोई नॉन रिकरिंग आइटम का इंक्लूजन है तो उसको हमेशा एक्सक्लूड करेंगे गुडविल को निकालने के लिए।
अगर प्रॉफिट वो वाला कैटेगरी का है जिसके अंदर कोई नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम है, जैसे अबनॉर्मल गेन हो गया या अबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इनको कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे गुडविल को निकालने के लिए। जैसे मान लो मेरे को कोई लैंड की सेल में प्रॉफिट हुआ तो उसको हमेशा रिमूव करूंगा मैं, कोई नुकसान हो गया जो अनएक्सेप्शनल नेचर का था तो उसको हमेशा क्या करूंगा। अब आज जैसे मैंने कहा मेरा लॉस 2 लाख का था बट इसमें 4 लाख का नुकसान वो था जो आग लगने से हुआ था, तो बताओ इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितने का था रूटीन में, तो 2 लाख का प्रॉफिट था। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे जो प्रॉफिट लेंगे वो प्रॉफिट हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट को लेंगे। अच्छा मान लो कोई ऐसा खर्चा है जिसको लेस ही करना बाकी है, जैसे मान लो किराया ऑफिस का मेरे को रेंट भरना बाकी था, अब वो रेंट तो रूटीन खर्चा है ना, जिसको लेस करना बाकी है तो उसको लेस करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे जो प्रॉफिट होंगे बच्चों, प्रॉफिट हमेशा कौन से प्रॉफिट लेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट। और अगर कोई भी ऐसा आइटम है विच इज इन नेचर ऑफ अबनॉर्मल उसको हमेशा एक्सक्लूड करेंगे, क्या निकालने के लिए, गुडविल को निकालने के लिए। बोलो आई बात समझ में, तो लिखो आप लोग देखो इसमें फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑलवेज ट्रेडिंग प्रॉफिट विल बी टेकन। If any profit is of such nature that it includes abnormal gain or abnormal loss, मान लो या तो abnormal gain हो या उसमें क्या हो abnormal loss, it will be excluded for goodwill valuation। उसको हमेशा क्या करेंगे, exclude करेंगे, ध्यान रखना। goodwill को निकालने के लिए हमेशा कौन से profit लेंगे, trading profit। अगर कोई भी ऐसा profit है जिसका nature abnormal है, जिसमें या तो abnormal gain हो या abnormal loss हो, उसको हमेशा एक्सक्लूड करेंगे गुडविल को वैल्यू करने के लिए। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में फॉर अबनॉर्मल गेन। अबनॉर्मल गेन मतलब बिजनेस एक्टिविटी से जो लिंक्ड गेन नहीं है। देखो अब गिवन प्रॉफिट माइनस अबनॉर्मल गेन ये है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट। और अगर मान लो अबनॉर्मल लॉस हो गिवन प्रॉफिट प्लस अबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब नॉर्मल गेन है तो घटा दो और अब नॉर्मल लॉस है तो जोड़ दो उसको। कॉपी कर लिया, सबने कर लिया कॉपी। प्रॉफिट में से गेन हटाओ तो ट्रेडिंग प्रॉफिट आएगा, लॉस है तो ऐड कर दो, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4th, पेज नंबर 2.31।
क्वेश्चन फोर्थ पे ध्यान दें, पेज नंबर 2.31 पे देखो पढ़े। असीन एंड शेयर्स और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। अब असीन और शेयर्स दो पार्टनर है, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 2:1। दे एडमिटेड शाम फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक नया पार्टनर को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। गुडविल इज टू इवैल्यूएट 3-year परचेज ऑफ लास्ट 5-year एवरेज। अब कितने सालों का एवरेज लेना है? आप यहां पर लाइन पढ़ना प्रॉफिट फॉर लास्ट 5-year एंडेड 31st मार्च। क्वेश्चन में ध्यान देना, जो टेबल के ऊपर लाइन गिवन है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5-year एंडेड 31st मार्च। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5-year एंडेड 31st मार्च, मतलब 31 मार्च 2020। ये प्रॉफिट कौन से हैं? 21, 22 ऐसे गिवन है। इसका मतलब ये साल कौन सा हुआ? ये वाला साल कौन सा हुआ? समझ आ रहा है? डेट का जरूर ध्यान रखना। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च गिवन है आपको। 31st मार्च मतलब ईयर एंडेड 31st मार्च 20, 31st मार्च 21, 31st मार्च 22 ऐसे गिवन है आपको। और नीचे बोल रहे हैं प्रॉफिट ऑफ 2021, 2021 का प्रॉफिट वाज आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अब 25,000 रुपए को लॉस हो गया था किसके कारण से? वो उसके बाद है। तो बताओ क्या करेंगे? अब नॉर्मल लॉस है कि गेन है? तो क्या करेंगे इसको, ऐड या माइनस? ऐड। अब सवाल ये होता है सर इसको ऐड करेंगे किसमें? आप मेरे को एक बात बताओ, देखो तो एक कॉलम बनाते हैं, बनाओ एक कॉलम, बनाओ ईयर, मेक वन कॉलम ईयर। ईयर में लिखो अब 31st मार्च 20, मतलब कौन सा हो गया? 31st मार्च 20 मतलब 1920, फिर 31st मार्च 21 मतलब 2021, 21 22, 24, फिर लगो प्रॉफिट 1,25,000, 1,18,750, -62,500 एंड 1,25,000। देखो फटाफट, ये प्रॉफिट गिवन है आपको ऑलरेडी। ये प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है आपको। अब इधर एक कॉलम में लिखो एडजस्टमेंट, और फिर लिखो एडजस्टेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कौन से साल का एडजस्टमेंट है? 2020, 2021, उसमें 25,000 गुड्स लॉस बाय फायर, तो क्या करें इसको? कौन से वाले साल में ऐड करें? 19, 20 या 20, 21? तो इधर ऐड कर दो 25,000, तो ये आ रहा है 1,25,000। और ये आ रहा है 1,25,000। निकालो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, बताओ टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? टोटल करना 5,00,000 रुपए। तो ये टोटल प्रॉफिट आया 5,00,000 रुपए। इसमें कोई डाउट? योर टोटल प्रॉफिट इज कमिंग एज 5,00,000। इसमें कोई दिक्कत?
सिंपल हमने क्या किया, जिस साल का अपना नॉर्मल लॉस था वो प्रॉफिट को ऐड कर दिया अपने लॉस को, तो टोटल प्रॉफिट आया 5 लाख। ये क्लियर है बिल्कुल, ये सबको आ गया समझ में? तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? कितना आता है एवरेज प्रॉफिट? 1 लाख रुपए। अब गुडविल कितना आ जाएगा? 3 लाख रुपए। बोलो समझ में आया? कर लिया? हो गया? कोई डाउट? सबने कर लिया कॉपी? ठीक है, कॉपी हो गया? टेस्ट कॉपी मंगवा देता हूँ, उधर पड़ी है, करो करो, मेरे ऑफिस में टेस्ट कॉपी लिया। देखो एक बार क्वेश्चन फिफ्थ पे ध्यान दो, पाते नहीं फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो। फिफ्थ क्वेश्चन पेज नंबर 2.32। देखो एक बार बातें नहीं, इधर ध्यान दो फिफ्थ पे। मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1st अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म। मनु इज टू बी गिवन 2/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड गुडविल को वैल्यू करना है 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या हुआ बताओ? आपको रूटीन प्रॉफिट लेना है, आपको प्रॉफिट वापस ईयर एंडेड 31 मार्च गिवन है, 31 मार्च 24, 31 मार्च 23 और 31 मार्च 22। Getting my point? ये year ended 31st मार्च है, ध्यान देना। तो लिखो आप year अब ईयर में लिखो यहां पर 23-24, फिर लिखो 22-23 और 21-22। $30,000, $80,000 का लॉस है। अब पहला क्या है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, क्या करें इसको? आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या करें इसको? प्लस, तो इसको करो प्लस। अब 80 का लॉस है, बोल रहा है वॉलेंट्री कंपनसेशन पे किया, मतलब कोई अपने कोई पेमेंट कराया अपने, कितने का पेमेंट किया है? तो 1/10 को ऐड करो और 10 का है, बोल रहा है 30,000 गेन है ऑन सेल ऑफ एसेट, इसको लेस करो। करो
तो ये आता है टोटल प्रॉफिट। वन लाख 80,000, बोलो समझ में आया? इसमें कोई डाउट? अब बोलो टोटल 180 है तो बोलो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? तो अब गुडविल कितना आएगा बताओ? बताओ कितने ईयर परचेज है? तो 1,20,000 का गुडविल आ गया। बोलो समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन सिक्स पे आ जाओ, ध्यान दो क्वेश्चन सिक्स पे। पढ़ो क्वेश्चन सिक्स। देखो एक बार, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद अफेक्ट फ्रॉम 1st अप्रैल 2024, प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च। अब 31st मार्च एंडेड मतलब 31st मार्च 22, 31st मार्च 23 और 31st मार्च 24 के ईयर है, ठीक है? तो बनाओ फॉर्मेट, एक कॉलम बनाओ ईयर, प्रॉफिट एडजस्टमेंट और लिखो ट्रेडिंग प्रॉफिट। इक्कीस बाईस वन लाख 1,25,000 बताओ पहले एडजस्टमेंट क्या है? अब नॉर्मल गेन है कितने का? तो उसको लेस करें कितना आएगा? फिर अब नॉर्मल लॉस है इसको ऐड करें और 12,500 इंश्योरेंस है। अब बताए ये रूटीन एक्सपेंस है, 12,500 फर्म की प्रॉपर्टी भी इंश्योरेंस है जो अभी तक इंश्योरेंस करना बाकी, उसका प्रीमियम पे करना बाकी है, तो क्या करें इसको? तो ये आता है 1,00,000। तो कितना आता है आप देखो टोटल प्रॉफिट? लियो कितना आ रहा है? एक्सक्लूडिंग 12,500 ऑन ये इंश्योरेंस है, ये अभी इंश्योर करना बाकी है प्रॉपर्टी, ये रूटीन एक्सपेंस है ना? ये तो नहीं, नहीं एक्सपेंस लॉस में, ये कोई अबनॉर्मल लॉस थोड़ी ना, ये तो रूटीन एक्सपेंडिचर है, मतलब जो आपका प्रॉफिट निकालने के लिए कम करना बाकी है अपने को, ये अबनॉर्मल नेचर का आइटम थोड़ी ना है। इंश्योरेंस तो रूटीन का एक्सपेंडिचर है ना, इंश्योरेंस हो गया, पार्टनर की सैलरी हो गई, स्टाफ, ये तो रूटीन एक्सपेंडिचर है, इसको लेस करके तो प्रॉफिट निकलेगा। तो कितना आता है टोटल लगाओ? 250, तो ये आ रहा है 337,500। अब निकालो एवरेज प्रॉफिट। तो आता है 112,500। अब गुडविल कितना हो जाएगा बताओ?
कितने ईयर परचेज है? तो यार है 2,25,000। बोलो समझ में आया? हो गया? बोलो समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है ठीक है। एट क्वेश्चन होमवर्क करोगे? एट क्वेश्चन होमवर्क करना बस, ठीक है? फिर कल से करते हैं कंटिन्यू। एट होमवर्क करना, एक ही कर लेना।